एसडीवीएम सिटी में आज इंटेक की तरफ से इंडिया हेरिटेज क्विज 2019 का आयोजन किया गया। एसडीपीजी कॉलेज के चेयरमैन तथा कोऑर्डिनेटर एसएन गुप्ता, कन्वीनर सुरेश गुगलानी तथा को कन्वीनर इंदिरा खुराना, एसडीपीजी कॉलेज की प्रोफेसर संगीता गुप्ता की उपस्थिति में इस क्विज कंपटीशन का आयोजन किया गया। बच्चों में भारत की सांस्कृतिक धरोहरों के प्रति रुचि व ज्ञान में वृद्धि के उद्देश्य से इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। आज पानीपत के विद्यार्थियों के सामान्य ज्ञान को और अधिक विकसित करने के लिए लगभग 8 स्कूलों के 86 विद्यार्थियों ने इस आयोजन में भाग लिया। हमारा बहुत बड़ा नेशनल प्रोग्राम है कि देश के जितने भी हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं और जितने भी हमारे कल्चरल प्लेसेस हैं, मंदिर हैं और जो हमारी स्थापत्य कला है उसका पुनर्निर्माण और उसके बारे में जागरूकता फैलाने की एक बहुत बड़ी संस्था है नेशनल। और ये 27 दिसंबर 1984 को इसको प्रारंभ किया गया है और सारे भारतवर्ष के स्टेट इसमें है, स्टेट में इसको इसके स्थापना हुई है। और इसके साथ जो भी हमारे भारत के ऐतिहासिक नगर हैं, मंदिर हैं, उनको वहाँ एक स्पेशल चैप्टर खोलकर हमारी जो पुराने धरोहर है उनको पुनर्निर्माण और उसके प्रति उनकी सौंदर्यीकरण के लिए एक कार्य किया जाता है। और इसमें प्रतिवर्ष नए नए जिले जोड़े जा रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है और इसके प्रति बच्चों को भी जागरूक करना है। क्या नाम है आपका? इंदिरा खुराना, प्रोफेसर। ये प्रोग्राम इंटेक की तरफ से ऑर्गेनाइज की गई। इंटेक जैसे आप जानते हैं ये इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर ऑफ द हेरिटेज है। ये सारे हिंदुस्तान में इसके चैप्टर हैं। ये पानीपत चैप्टर की तरफ से हम कंडक्ट कर रहे हैं। इसमें हम अपने देश की धरोहर, पुराने कल्चर, संस्कृति के बारे में सवाल पूछते हैं। इंटेक का बेसिक मोटो है प्रमोट और कंजर्व अवर हेरिटेज। उसी के अंतर्गत हम ये प्रोग्राम है। इसमें 10 स्कूलों से 100 बच्चों आए हैं और ये जो क्विज है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्विज। उसमें दो दो बच्चों की टीम बनाई गई है एंड दे हैव टू आंसर। उनको 20 क्वेश्चन दिए गए हैं। 20 क्वेश्चन ये सारे हमारे हेरिटेज से रिलेटेड हैं। उसमें पानीपत के क्वेश्चन हैं, हरियाणा के हैं, सारे भारत के क्वेश्चन हैं और उनको 60 मिनट मिले हैं इसका जवाब देने को। इसके बाद हम इनका ऑन द स्पॉट चेकिंग होगी। बेस्ट 4 टीम को अलग किया जाएगा, फिर उनका वाइवा वॉसी होगी और चारों में से जो बेस्ट टीम निकलेगी उसको नेशनल लेवल पे, ये पहले यहाँ से जोनल लेवल पे और फिर वहाँ से अच्छी टीम जो निकलेंगी उनको नेशनल लेवल पे ले जाएगा और उसके कंपटीशन के बाद उनकी रिकग्निशन होगी, उनको सर्टिफिकेट और इनाम दिया जाएगा। ठीक है, नाम क्या सर आपका? मैं डॉक्टर एस एन गुप्ता। ठीक, सुरेश गुगलानी। सुरेश गुगलानी, ठीक।